प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द वन एंड ओनली कपिल शर्मा। थैंक यू इतने इतने प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए, क्या एनर्जी आप सबकी। वाओ, मैं तो सोचा था आप मेरे शो पे आएंगे कभी। एक ही बात है, कोई फर्क नहीं। एक ही बात है। अच्छा, इससे पहले कि ऑडियंस आपसे इंटरेक्ट करे, ऑडियंस आपसे क्वेश्चंस पूछे, मेरे माइंड में एक सीरियस क्वेश्चन है। जी, आज से 10 साल पहले आपने अपने करियर की शुरुआत करी थी। मैंने देखा 2013 में कॉमेडी नाइट विद कपिल के नाम से आपका शो आया था। आज पूरे 10 साल हो गए उस जी सर। तो तब क्या आपने सोचा था कि एक दिन आपको संदीप महेश्वरी शो में आने का मौका मिलेगा? मैं सर आपके वीडियोस देखता रहता हूँ, बहुत अच्छा बोलते हैं आप और बहुत बहुत अच्छा मोटिवेट करते हैं स्टूडेंट्स को, यंगस्टर्स को, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और मैंने 3 महीने के लिए अपना शो बनाया था, पता नहीं चला कब 10 साल हो गए। लोगों का प्यार है और आप सबकी, लोग बहुत प्यार करते हैं सर आपको। चलिए Q&A सेशन शुरू करते हैं। सर आपसे एक्चुअली एक रिक्वेस्ट है कि आप मोटिवेशनल मंच पे आए हैं तो कॉमेडी के वे में थोड़ा मोटिवेट कर सकते हैं। ये संदीप जी से बेहतर कौन करता है? मैंने इतने सारे वीडियोस देखे हैं कि आपको इतनी मोटिवेशनल बातें करते हैं आपके साथ और बीच बीच में आपको हंसाते रहते हैं, तो इसीलिए शायद इनका शो इतना पॉपुलर भी है। हेलो कपिल सर। सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू ब्रदर। मैं आपके साथ 2 लाइन गाना चाहता हूँ। मैं सीरियसली बोलूँ, आपको देख के मुझे कोई गाना नहीं याद आ रहा। सर मेरे को आ रहा है सर आपको देख के गाना याद। प्लीज आप शुरू करिए। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। वाह, बड़े एनर्जी यार, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सर मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा बोलती हूँ। भगवान उसका भला करे जिससे आपकी शादी होगी। हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मेरे को ये पूछना है सर, गुड लिसनर कैसे बन सकती हूँ मैं? चुप रह के। मेरा एक क्वेश्चन था कि आजकल जैसे इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स बढ़ रहे हैं तो कुछ ही टाइम में उनका कंटेंट की कमी हो जाती है, तो आप इतने साल से रेगुलरली कर रहे हो तो आप कैसे अपने आप को रेलेवेंट रख रहे हैं और हम सबके लिए, मतलब अभी भी इतना एंटरटेन कर रहे हैं और कैसे कर पा रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है आज से जब 15-16 साल पहले जब नेशनल टीवी पे काम हिंदी में काम शुरू किया था तो मेरे खुद के दोस्त बोलते थे कॉमेडी बड़ी हो चुकी है, अब नहीं होगी। मैं कहा ऐसे तो सांस भी बड़े ले चुका है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक दुनिया है, जब तक हालात हैं, हर रोज़ कुछ ना कुछ आपकी यू नो जिंदगी में घटता है। आप न्यूज़ चैनल लगा के देख लो, हर जगह आपको कोई ना कोई नई चीज़ें मिलती हैं, तो जब तक ये सब होता रहेगा ह्यूमर भी आता रहेगा। हाँ मेहनत लगती है, पर हाँ जैसे ये जो आपकी एनर्जी देखी, जो आप लोगों का प्यार देखा, तो ये हमें मोटिवेट करता है और मेहनत करने के लिए। मैं आप दोनों से जानना चाहता हूँ, क्या आपने जो सोचा था जो मैं इस प्लेटफॉर्म पे यहाँ तक पहुँच जाऊँगा तो मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, ऐसा होगा वैसा होगा, क्या आज वैसा हो रहा है? मुझे लगता है बिल्कुल वैसा हुआ है और शायद उससे कहीं ज़्यादा हुआ है। मैं बड़ा फॉर्चुनेट हूँ, मैं बड़ा ब्लेस्ड हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि जितना सोच के आए थे उससे कहीं ज़्यादा मिला है। पर हाँ, वो मेहनत करते रहना चाहिए आपको, क्योंकि उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। आज भी मैं अपने शो के लिए उतनी ही मेहनत करता हूँ, आज भी मैं अपनी टीम के साथ बैठता हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो मैंने सोचा था शायद उससे ज़्यादा ही हो रहा है।
देखो बेसिकली क्या होता है कि जब हम किसी भी काम को शुरू करते हैं ना, तब हमने ऐसा नहीं सोचा होता कि इतने टाइम बाद ऐसा होने वाला है. आप अगर इन्हीं का एग्जांपल देखा जाए, जब आपने शुरू किया था तब आई एम 100% श्योर आपने ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन मेरा शो होगा, ये होगा, वो होगा. Never. ऐसा कुछ कभी नहीं सोचा कभी था नहीं. मुझे था कि इसमें देख तो एपिसोड में भी आ गया ना मैं, अपने लाइव शोज लगने शुरू हो जाएंगे और बस मजा करेंगे. फिर उसके उस सीरीज के विनर हो गए, फिर उसके बाद दूसरे शोज ऑफर होने लग गए, और उसके बाद फिर लगा कि यार एक ऐसा शो बनाते हैं जिसमें सारे एलिमेंट्स हों ये, और वाकई इंसान कभी नहीं सोचता. और फिर उसके बाद में इनका शो हो गया और इतना शो भी अच्छा खासा चलने लगा, करने लगा. उसके बाद में मूवीज में आ गए. अब अभी इनकी एक और एक मूवी आने वाली है. प्रोड्यूसर बन गए, फ्लॉप हुए, खतरनाक बड़ी सारी चीजें होती हैं. और अभी भी आपकी एक मूवी आने वाली है नेक्स्ट. अभी भी देखो, अभी जो मूवी आ रही है सीरियस मूवी है, मतलब सीरियस इन द सेंस कि मैं ऑलरेडी जो टीवी पे कर रहा हूँ उससे बिल्कुल अलग है, तो लोग उसमें भी बड़ा हैरान पाओ कुछ अलग आ रहा है. हालांकि जो मेरे जानने वाले हैं, जो मेरे दोस्त हैं, जो यू नो करीबी हैं, उनको कोई वो नहीं हुआ शॉक, क्योंकि उनको पता था कि आई एम वेरी गुड एक्टर. तो बिल्कुल संदीप जी ने सही कहा, बहुत सारी चीजें होती जो हम लोग हमारे बियॉन्ड में हमने एक्चुअली नहीं सोची होती. इसको आप इस तरीके से देखो कि जैसे जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं ना, तो हमारी जो विजन है वो बड़ी होती है. बिल्कुल. जब अभी अगर आप अपनी बात करो तो आपकी विजन इतनी सी है, तो आपको लग रहा है कि मैं बस इतना ही कर सकता हूं. जब वहां पहुंच जाओगे तो विजन और बढ़ जाएगी. फिर एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जब विजन आपकी 360 डिग्री हो जाती है, तब आपके अंदर से आने लग जाता है कि यार मैं कुछ भी कर सकता हूं. मजा आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है जो मैंने देखा कि मजा आ रहा, तो फिर जिंदगी पता नहीं चलती. 10 साल मेरे कम निकले ये वाले, जब ये शो शुरू किया मुझे जेन्युइनली नहीं पता चला. मैं शादी करना भूल गया था बीच में. फिर मेरे को किसी ने याद किया, बोला कि तुम शादी कर लो, 36 के हो गए हो, 40 के बाद बाद मतलब फिर काम खराब हो जाता है. फिर मैं अगर शादी, आपने कोशिश तो बहुत करी थी अपने शो में जी, वो पत्ता सीधा पड़ा नहीं. नहीं, वो मुझे लगता था कि वो अब ये आ रही है अगले हफ्ते हीरोइन, इससे बात बन जाएगी. हाँ, वो प्रमोशन करके निकल जाती थी, फिर मिलती नहीं थी. ये बात आपको थोड़ा लेट समझ आई कि वो अपने प्रमोशन के लिए आ रही है, आप अपनी प्रमोशन करते थे, बात बनी नहीं. चलो कोई नहीं. लेकिन आई थिंक आपका भी जो रिलेशनशिप है, अगर एक बार हम थोड़ा सा ऑफ ट्रैक जाए जी, तो बहुत पुराना रिलेशन है आपका गिन्नी के साथ. हाँ हाँ, ऑफ कोर्स. मैं कॉलेज में पढ़ता था, जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लिया अमृतसर से जलंधर, तो हमारे यूथ फेस्टिवल जैसे होते हैं है ना, यूनिवर्सिटी के इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन, तो मैं अपने कॉलेज में पढ़ रहा था और गर्ल्स कॉलेज का अलग से कंपटीशन होता, बॉयज़ का अलग से होता था. उसके बाद जो विनर होते थे दो, फिर वो बॉयज़ और गर्ल्स का कंबाइंड फाइनल में होता था. उस तरफ से गिन्नी फर्स्ट आ गई, बॉयज़ वाले में मैं आ गया. फिर फाइनल में जब आमने सामने हुए, वही एक दिन था जिसमें मैं जीता, उसके बाद गिन्नी जीतती आ रही है. और कॉम्पिटिशन क्या था सर? थिएटर कैटेगरी, मतलब बहुत सारी कैटेगरी होती है, फाइन आर्ट्स होता है, म्यूजिक होता है, थिएटर होता है. आप कौन सी कैटेगरी? मैं थिएटर में था, और थिएटर में होता है वन एक्ट प्ले, स्किट, हिस्ट्रियोनिक्स, माइम, फैंसी ड्रेस. अच्छा, तो शुरू से ही आपको शौक रहा है थिएटर का, म्यूजिक का, इन सब चीजों का जी. और वो जो आपकी वाइफ है वो किस कैटेगरी में थी? वो थिएटर में ही थी, और वो फोक डांस में भी थी. हाँ, गिद्दा बड़ा अच्छा डालती थी, अब तो मुझे नहीं चाहती है. पर जैसे आप कॉलेज डेज में थे, तो आपकी आपकी हर एक ग्रुप में ऐसा होता है एक बंदा कि वो जो होता है सब सबकी लेने वाला होता है. तो सर, आपने जो ये कॉमेडी का जो करियर है वो आपका ये बेइज्जती करने का शौक था, या फिर आपने मतलब पूछ रहे हैं आप किस तरफ थे? जैसे एक ग्रुप में एक बंदा ऐसा होता है, तो आप वो बंदे थे या फिर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ था, मतलब यही आप पूछना चाह रहे हैं? जी सर, यस सर. हाँ, मतलब बेइज्जती करने वाला ये लाइन कहाँ से आ गई भाई? सर, हमने कई बार नोटिस करा सर, जैसे अर्चना मैम हो गई और दिनेश, वो एक रिलेशनशिप होता है ब्रदर. जी वो सर, उसको बेइज्जती नहीं कह सकते यार आप. आई मीन मेरी इतनी औकात नहीं है कि अर्चना जी इतनी सीनियर एक्टर हैं, और अगर ऐसा होता तो वो उस शो पे बैठती नहीं सर. ऐसे अब अक्षय पाजी आते हैं मेरे शो पे, हम लोग बड़ा हेल्दी एक कॉन्वर्सेशन होता है, वो मेरे पे पंच मारते रहते हैं मैं उसमें, तो वो एक स्किल डेवलप हो जाती है ना कि हम आपस में ऐसे करते हैं. हाँ, नहीं बेइज्जती वो नहीं होती, वो होती है मैं जो आपकी अभी करूंगा. मैं स्कूल में ऐसा नहीं था बिल्कुल, कॉलेज में भी ऐसा नहीं था. हाँ, पर मुझे लोगों को हंसाना अच्छा लगता था, पर मैं बड़ा इंट्रोवर्ट था. मुझे लगता कि शायद मैंने ना बहुत साल लोगों को ऑब्जर्व करता रहा, देखता रहा अलग अलग करेक्टर्स. तो जैसे अभी मैडम ने भी सवाल पूछा था, तो वो चीज़ें डेवलप हो रही होती हैं, आपको नहीं पता होता है कि आपके अंदर कुछ यू नो डेवलप हो रहा है धीरे धीरे करके. तो अच्छा लगता था लोगों को हंसाना,
सो आई थिंक उसी की वजह से अपने आप पर भी हंसना भी स्किल है सर। कई लोग है जो अपने आप हंस ही नहीं पाते। सबसे पहले अपने ऊपर हंसो। एक मैं आपको मंत्र बताऊं छोटा सा, अगर आपको लगे ना कि यार मेरे बारे में लोग क्या कहेंगे, सबसे पहले अपने बारे में खुद ही कह दो। जब आपके शो में कोई भी आता है, या जैसे एक्टिंग हो गया या सिंगर, तो आपको किस में मजा आता है? आपने एक्ट्रेस तो बोला ही नहीं। मेन मजा वाली बात है, सिंगर है। सिंगर के साथ ज्यादा मजा आता है या? हाँ, मुझे एक्चुअली क्योंकि पर्सनली मुझे म्यूजिक का बहुत शौक है। नहीं, एक्ट्रेस के साथ ही बहुत मजा आता है, मस्ती मजाक करते हैं। पर कोई जब सिंगर आता है तो उससे ये होता है कि आप भी एंटरटेन होते हो ना, नहीं तो अदरवाइज हम उनको कर रहे होते हैं, ऑडियंस को कर रहे होते हैं। तो म्यूजिशियंस कोई भी आते हैं, सिंगर या, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू। क्वेश्चन मेरा ये है, जैसे कि सर वैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ और क्या कहते हैं मिमिक्री वगैरह भी कर लेता हूँ मैं। अच्छा जी। बट मैं क्या है, मैं कहीं चैनल वगैरह पे किसी चीज़ पे मैंने कोई चैनल वगैरह नहीं बनाया। वैसे क्लाइंट के लिए हम लोग ये काम करते हैं, तो उनकी जो सोशल मीडिया अकाउंट है मैं अच्छे खासे रीच उन पर ला सकता हूँ, बट मेरे को टाइम नहीं मिल पाता। ऐसा भी नहीं है, बहुत कुछ करता हूँ, मतलब समझ में नहीं आता कि टाइम क्यों नहीं मिलता अपने लिए अगर निकालना चाहूँ तो। आप जवाब देंगे, मैं जवाब दूँ? हाथ तो नहीं उठाना चाहते ना? मेरा आपसे सवाल है अब। ये सवाल आपने हमसे क्यों पूछा? क्योंकि आपका टाइम है। देखो, मैंने जैसे कहा कि आपको जिस चीज में मजा आता है, अगर आपको लग रहा है कि आपको जो आप जो कर रहे हैं उसमें आपको मजा आ रहा है, तो फिर आप वो अपने लिए कर रहे हैं, आप ही का टाइम है। और अगर आपको उसमें मजा नहीं आ रहा तो फिर मजा ढूंढने का नहीं। सर इदर... मजा तो आता है, मतलब वही है कि टाइम नहीं मिल पाता, पता नहीं कैसे नहीं मिल पाता भाई। टाइम मिलता नहीं है, निकालना पड़ता है। माय क्वेश्चन इज फॉर बोथ ऑफ यू, कि क्योंकि आप लोग अपनी फील्ड में ना यू आर द नंबर वन, व्हिच व्हाट एवर यू आर डूइंग राइट नाउ यू आर एट द टॉप। तो जब आप लोग उस स्टेज पे थे जहाँ पे आपको लाइक आपको पता था आपका काम अच्छा है, पॉपुलैरिटी मिल रही है, एंड पीपल अराउंड यू स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग यू, तो उस स्टेज पे तो सब ऐसा होता है ना कि अरे यार तुम तो बहुत अच्छा करो, यू नो कि भाई अच्छा क्या है बुरा क्या, बट दोज पीपल अराउंड विल बी अ यस पर्सन, कि आप जो बोलोगे दे विल बी यस सर। सो उस सिचुएशन में व्हेन यू आर एट प्लेस वेयर यू कैन हैव एवरीथिंग, सो हाउ डू यू मेंटेन दैट काम एंड कंपोजर, एंड वो ऐसा होता है ना कि यू आर यू नो कि यू नो व्हाट आई नीड टू डू रादर देन गेटिंग अफेक्टेड बाय अदर पीपल्स ओपिनियन। तो वो अपने आप को कैसे आप मैनेज करते हो उस सिचुएशन में, या अपने आप को कैसे रियलाइज कराते हो कि ये सब जो चीज़ें हैं ना, फेम है जो भी है, ये तो आएगा चला जाएगा, बट मी एज अ पर्सन माई वैल्यू इज डिटरमाइंड बाय माई वर्क, सो हाउ डू यू कंटिन्यू टू डू दैट? वाओ, आपका सवाल भी जो है मैं समझ पाया हूँ, वो एक ही लाइन में चाहे आप पूछ सकती थी, आपने 36 लाइनें बोली हैं, पर वो भी मजा आया आपकी बात सुन के। पता क्या होता है, लोग बड़ा चढ़ाने वाले भी बहुत होते हैं, जब आप थोड़ा थोड़ा कुछ कहीं राइज करना शुरू करते हैं, बड़े लोग होते हैं, पाजी आपका तो जवाब ही नहीं है। कॉम्प्लीमेंट ले लो, लेने का मजे करो, मिल रहा है ना कुछ, कुछ ले तो नहीं रहा आपसे, उसको सीरियसली लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप क्रिटिसाइज होते हो, जब आपको कोई यू नो, अब क्रिकेटर्स देख लो आप, आज अगर कोई सेंचुरी मारता है उसके घर के बाहर जाके ढोल बजा रहे हैं, अगले मैच पे वो जीरो पे आउट हो जाए तो कीचड़ भी फेंक आते हैं अपनी। अपने लोग बड़े इमोशनल हैं, प्यार करेंगे दिल से करेंगे, गाली भी देते दिल से करेंगे। सो ना तो खुशी में ज़्यादा, एक्साइटमेंट में ज़्यादा उछलने का, और ना ही अगर आपको कुछ बुरा दिन निकल रहा है, हर दिन एक जैसा नहीं होता ना, तो उस दिन ज़्यादा टेंशन भी नहीं होने का। और ये चीज़ें ना शायद उम्र के साथ आती हैं, मैं पहले ऐसा ही था, मेरे को कोई ट्विटर पे एक गाली देता था, मैं 10 देता था उसको ना। तो वो धीरे धीरे समझ आ जाती है, आई थिंक उसका उम्र का भी उसमें वो बड़ा होता है। आप जैसे जैसे लाइफ में ग्रो करते हैं, यू नो, परिवार वाले हो जाते हैं, बच्चों वाले हो जाते हैं, ये चीज़ें जो उम्र के साथ आती हैं वो उसी के साथ आती हैं। सो हाँ, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, ना आपका फेम, ना आपका यू नो, ना आपकी तारीफ जो है वो परमानेंट है, ना ही आपका क्रिटिसिज्म जो है परमानेंट है। सो बस रिलैक्स रहने का, और ये चीजें ना कई बार टाइम के साथ साथ ही समझ आती है। एक्चुअली मतलब अगर आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि मेरे को या इनको एक पर्टिकुलर एज पे ये सब कुछ समझ आ जाता 10 साल 15 साल पहले, तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता। जब हम वो चीज कर लेते हैं और वो गलतियां करते हैं उस तरह की, राइट, कि जब वो दिमाग पे चढ़ता है, अगर कोई आपको कहता है ना कि हाँ सक्सेस फेम दिमाग पे नहीं चढ़ता है, झूठ बोल रहा है इंसान। सबके चढ़ता है, सक्सेस भी दिमाग पे चढ़ता है और फेलियर भी दिमाग पे चढ़ता है। हाँ हाँ, तो जब ये दोनों चीजें दिमाग पे चढ़ती है और हावी होती है, तब हमें अंदर से समझ आता है कि अच्छा इसकी वजह से क्या गड़बड़ हो रही है, फिर इंसान धीरे धीरे उसको हल्के फुल्के तरीके से लेने लग जाता है। हाँ, एक टाइम के बाद कोई चीजें आपको इफेक्ट नहीं करती, आप मर जाते हो। मेरा एक ही क्वेश्चन है, हम खुद का बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम कैसे टीम बिल्ड करें
उनके अंदर कैसे लॉयल्टी लेके आए, हम कैसे पता करें उनके दिल के अंदर हमारे लिए मतलब बहुत ज़्यादा लॉयल्टी है, मतलब समर्पण है हमारी कंपनी के लिए, हमारे लिए, हमारे टीम मेंबर के लिए। इट्स अ गुड क्वेश्चन, और ये हम सिर्फ टीम पे नहीं लगा सकते इस मंडे को, हम दोस्ती पे भी लगा सकते हैं, बिल्कुल फ्रेंडशिप पे भी लगा सकते हैं, रिलेशनशिप बोल सकते हैं, एनी काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप, दैट कुड बी अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप और अ पर्सनल रिलेशनशिप। तो कोई भी रिलेशनशिप हो किसी भी तरीके की, उसको स्ट्रांग कैसे किया जाता है? देखो सामने वाले के मन में क्या चल रहा है ये तो आप कभी भी नहीं जान पाओगे। अगर आपको ऐसी कोई शक्ति मिल जाए तो तुम बिजनेस छोड़ के तुम तो लड़कियों के पीछे लग जाओगे कि मुझे तो पता है इसके दिमाग में क्या चल रहा है। सो देखो ये शक्तियाँ तो मुझे नहीं पता कहाँ से आती हैं, हाँ, लेकिन आपको कहीं ना कहीं अंदर से पता चल जाता है कि कौन मेरे लिए अच्छा सोच रहा है। अच्छा ऐसा भी नहीं है कि जो आज आपके लिए अच्छा है वो आज से 5 साल बाद हो सकता है उसके मायने बदल जाएं, उसकी आपसे एक्सपेक्टेशन अलग हो जाएं। जो मेरे भी बहुत ऐसे मेरे दोस्त हैं, आज भी मेरे वही दोस्त हैं स्कूल कॉलेज के, पर कई दोस्त ऐसा भी होता है कि वो आपसे कुछ और उम्मीद करने लग जाते हैं। यू नो समय बहुत बड़ी चीज़ है, समय के हिसाब से आपके विचार भी बदलते हैं, सब कुछ होता है। पर हाँ अगर आपको ये जानना है कि ये मेरे लिए कितना लॉयल है तो ये सोचना छोड़ दो, आप अपना 100% उसको दे दो। जब वो देखेगा कि आप उसको कितनी मोहब्बत से इसको ट्रीट कर रहे हो तो वो सेम शायद बदले में आपको ऐसा मिलेगा। तो इसको हम पढ़ते भी आए हैं कि आपके ही कर्म आपके आगे आते हैं। मुझे ऐसा लगता है आप जब अपना 100% देते हो किसी को विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, आपके अंडर जो काम करते हैं जो भी, उनको अगर आप बहुत मोहब्बत देंगे तो शायद वो भी आपके लिए लॉयल ही होंगे। मेरा अपना टेक ये है कि अच्छे टाइम में कभी भी एक रिलेशनशिप की पहचान नहीं होती है। एक्चुअली अच्छे टाइम में तो सब अच्छे हैं, दोस्त भी अच्छे हैं, रिश्तेदार भी अच्छे हैं, टीम वाले भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छे हैं। जब बुरा टाइम आता है तब क्या आप उसके साथ में खड़े हो या नहीं खड़े हो, हाँ। और पूरे दिल से उससे रिलेशन पक्का हो जाता है। मैं आप दोनों की बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू। प्लस आप दोनों ही बहुत पॉजिटिव पीपल हो, लाइक अगर देखे तो किसी को हंसा सकते हो बहुत इजीली और मोटिवेट भी कर सकते हो अपनी कॉमेडी से और अपनी बातों से। सब अग्री करेंगे कि हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो हम बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं उस चीज़ को लेके। तो आप इम्पेशेंट आप दोनों भी होते होंगे, तो आप कैसे डील करते हो उस चीज़ से? दोनों ही दोनों लाइफ में जो सबसे बड़ी क्वालिटी हम सबके अंदर होनी चाहिए, जो आई एम 100% श्योर इनके अंदर भी है और वो लोग जो आगे बढ़े हैं लाइफ में सबके अंदर है, लाइफ में अंदर चाहे जैसी भी हालत है, मन है चाहे नहीं है, जो करना है वो करना है, एज सिंपल एज दैट, द शो मस्ट गो ऑन। ये क्वालिटी हमारे अंदर सबके अंदर होनी चाहिए अगर हम लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो, जो आज की जनरेशन में बहुत कम लोगों के अंदर होती है। हम क्या सोचते हैं, काम को शुरू करते हैं, रिजल्ट नहीं आया छोड़ो बेकार है, फिर किया नहीं आया बेकार है, बेकार है क्या होता है, करना है तो करना है ना। आगे सर आपकी बारी। सेम मुझे पता था ऐसे कुछ आने वाला यहाँ से। थैंक यू सो मच सर यहाँ पर आने के लिए, थैंक यू, मुझे बहुत मजा आया आपसे मिल करके। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।